आप मात्र इन बुक को फॉलो कर लीजिएगा ना, जीवन में कोई सा भी एग्जाम निकाल लीजिएगा, बस ये 7 से 8 बुक है, यही आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगी। इसको पूरा देखिए, वीडियो पे बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि पढ़ना क्या है, मतलब क्या करना है। आप पढ़ तो रहे हैं, कैसे डिस्कशन करना है, कैसे सीट लगाना है, कैसे उसको रिवाइज करना है, क्या क्या करना है, इस सब के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से चल रहा होगा। देखिए आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चल रही होगी। देखिए बहुत टाइम गैप के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कब वीडियो बनाएं, क्या बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं। अब हम कंफर्म हो गए कि हमें वीडियो बनाना है, तो रेगुलर वीडियो आते रहेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे हम नौकरी किए ना जीवन में, अभी तक तो 3-3 नौकरी किए, जैसे पहले पॉइंट्समैन का ग्रुप डी में किए, फिर एज ए स्टेशन मास्टर किए जॉब 1 साल, फिर अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये बिहार सेक्रेटरीट में जॉब कर रहे हैं। तो मेरा जैसे हम भी जब तैयारी के शुरुआत में थे ना, तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे करें, क्या पढ़े, मतलब उस टाइम लगता था कि कोई सा भी नौकरी हो जाए तो कर लेंगे। लेकिन अभी ऐसा दौर है कि एक बार अगर आप तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी ना, तो आप मतलब आप चूज कीजिएगा कि जॉब हमको ये करना है, ये करना। तो आज ही के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि मेरा क्या बुक लिस्ट रहा है, मतलब जब हम तैयारी के दौर में थे तो मेरा क्या बुक लिस्ट रहा। आप लोग भी अगर इस बुक लिस्ट को फॉलो कीजिएगा तो सफलता जल्दी मिलेगी। तो ये जो बुक लिस्ट हम बताने वाले हैं ना, ये मतलब इतना ही पढ़िएगा ना काफी हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना। ये नहीं कि ये बुक पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक मेरा है, हम भी यही बुक पढ़ते थे, आप भी यही बुक पढ़िएगा और सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो ये बुक लिस्ट जैसे देखिए किसके किसके एग्जाम के लिए हो जाएगा। जिस एग्जाम में इंग्लिश, देखिए जीके बेस्ड एग्जाम को आप इस तौर पे ले सकते हैं। एसएससी का भी हम प्रिपरेशन किए थे, एक बार एमटीएस में मेरिट में छटा गए थे। सीजीएल और एलडीसी का प्री निकालने, लेकिन मेंस तक नहीं पहुंचे। एक बार मेरिट में छटा है लेकिन मेंस तक नहीं पहुंचे। तो मेरा तैयारी का था प्रॉपर था ये बिहार बेस्ड एग्जाम, या जिस एग्जाम में इंग्लिश ना पूछता होगा ना, उस एग्जाम में थे। तो देखिए आज हम है ना इस तैयारी पे बात करेंगे। तो देखिए दो तैयारी जो होती है ना जीके की, एक तरह से आप पढ़िएगा ना तो लगेगा कि जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा, क्या किया जाए। लेकिन इस तरह से है ना मैथ रीजनिंग में नहीं होता। मैथ रीजनिंग अगर पढ़िएगा ना, तो आप अगर जिस टॉपिक पे मैथ पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। लेकिन जीके है कि जीके का सिलेबस है ना लंबा रहता, तो उस पे है ना अगर टॉपिक पढ़ भी लीजिएगा ना एक टॉपिक, उस अगर क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा। इसलिए जीके है ना कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक, लेंथी लगता है, बोरिंग लगता है, पढ़ने में मजा नहीं आता, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है जीके। देखिए तैयारी का जो क्रम रखिएगा ना आप, जैसे कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो अगर सिर्फ प्रॉपर जीके की अगर बात करें तो जीके बेस्ड एग्जाम में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा एग्जाम हो जाएगा, जैसे बिहार का हो गया, सचिवालय हो गया, ये एसआई हो गया, ये दौर हो गया, मतलब बिहार पुलिस हो गई, अभी तो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय, तो उसके लिए हो जाएगा। तो देखिए तो आज हम एएसओ और बिहार एसआई और ये इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का बात करेंगे। तो देखिए इसका तैयारी का क्रम क्या रखेगा। तैयारी में तो इसका देखिए पहले हम इसका सिलेबस जान लेते हैं, जैसे संक्षिप्त में, जैसे आपको मालूम ही होगा, आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। जैसे संक्षिप्त में सिलेबस ये है ना, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, फिर जीके जीएस है, साइंस भी है, फिर करेंट अफेयर है, और बस इतना सारा है, जिसमें कि 75 क्वेश्चन जो रहती है, 75 क्वेश्चन मैथ की रहती है और रीजनिंग की रहती है, मतलब रीजनिंग की 50 क्वेश्चन और मैथ की 25 क्वेश्चन। इसी तरह जीके की रहती है 50 क्वेश्चन और जीएस मतलब साइंस की रहती है 25 क्वेश्चन। इसी 50 क्वेश्चन में ना करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता हो गया 150 क्वेश्चन का हो गया, इसका उम्मीद तक कट ऑफ 100, पीटी का कट ऑफ 115-120 के आसपास रहता, सभी कैटेगरी का हो जाएगा इसमें। तो हम प्रॉपर बात करेंगे तैयारी के क्रम के बारे में, उससे पहले हम बुक लिस्ट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे देखिए ये सब जीके का है ना बड़ा बड़ा बुक है, जैसे दृष्टि के बुक की बात करते हैं तो इसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो इसको कब पढ़िएगा। जैसे तैयारी जब आप करते हैं ना, तैयारी के क्रम को दो क्रम में रखिए। एक तो हो गया कि आप एग्जाम से 45 दिन पहले तक क्या पढ़ रहे थे, और अब एग्जाम डेट आ गया तो 45 दिन मतलब एग्जाम 45 दिन के बाद क्या पढ़िएगा। तो हो गया क्या, जब 45 दिन मतलब एग्जाम की ओर लेकर अभी 45 दिन है, तो उससे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस पर हम बात कर लेंगे। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एक बुक लिस्ट है हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में हम है ना दृष्टि आईएएस का है ना क्विक बुक पढ़ेंगे, जो कि यहाँ आपको दिख जाएगा, दृष्टि आईएएस का क्विक बुक पढ़ेंगे। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी हम दृष्टि आईएएस का एक क्विक बुक ही पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी। पॉलिटी का बात करें तो पॉलिटी में भी हम दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ही पढ़ेंगे। इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपको, अगर तीनों बुक की बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो ऐसा कीजिएगा कि एक बार में है ना जब आप पढ़ते हैं तो दो बुक पढ़िएगा, दो आर्ट की बुक पढ़िएगा, एक साइंस की बुक पढ़िएगा। और साइंस का भी बात करें तो हम साइंस में भी आप दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ही पढ़िएगा, उसमें अगर
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो तीनों पढ़ लीजिएगा दृष्टि आज के बुक से, लेकिन जब आप बायोलॉजी के लिए है ना आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट पढ़ना होगा क्योंकि बायोलॉजी का आजकल डीप क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा लुसेंट का जो आती है ना सामान्य विज्ञान से आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़िएगा, और ये बायोलॉजी आप दोनों जगह से पढ़ लीजिएगा दृष्टि आज के क्विक बुक जो है ये विज्ञान वाले उससे भी, और ये सामान्य विज्ञान से सिर्फ बायोलॉजी पढ़िएगा क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़िए उसका सिलेबस लंबा रहता है ये। अब देखिए बात करते हैं कि कैसे पढ़े किताब, जैसे हिस्ट्री उठाया आप एक बार में आप तीन सब्जेक्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए, जैसे जो दो आर्ट का पेपर पढ़ रहे हैं एक साइंस का पेपर पढ़ रहे हैं तो आर्ट के पेपर में क्या क्या पढ़िएगा, जैसे एक बार आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिर एक बार आप हिस्ट्री ले लीजिए फिर पॉलिटी ले लीजिए छोटा बुक और एक साइंस का टॉपिक ले लीजिए फिजिक्स, जैसे ये मोटी किताब हो जाएगी तो एक दिन में आप ऐसा कीजिए मतलब टारगेट रखिए कि हम एक दिन में अगर हम 10 पेज पढ़ रहे हैं 10 पेज छोड़ दीजिए 7 से 8 पेज पढ़ रहे हैं एक किताब का तो तीन बुक पढ़ना है तो आपके 24 पेज पढ़ना है, मतलब प्रॉपर आपको 5 से 6 घंटा जीएस पढ़ना ये हो गए। और हिस्ट्री इसी तरह का तीनों बुक जब एक बुक खत्म हो जाएगा फिर दूसरा, जैसे हिस्ट्री खत्म होगा फिर ज्योग्राफी पॉलिटी इसी तरह हो गया, हिस्ट्री हो गई ज्योग्राफी हो गई पॉलिटी हो गई साइंस हो गई। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कीजिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए है ना पहले एडिटोरियल जो आती है ना प्रवीण सर का जो वीडियो आता है ना उससे आप इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू प्रॉपर मतलब ऊपर नॉलेज ले लीजिएगा, उसके बाद आप लुसेंट बुक पढ़ लीजिएगा तो इससे हो जाएगा, और फिर पर्यावरण को आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं और ये ज्योग्राफी के बुक में और ये साइंस के दृष्टि इसके बुक में मिल जाएगा तो उसे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए हो गया साइंस पेपर के लिए तो ये काफी है, और इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि आप जब है ना जब मेरी बात करें हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जहां हम पढ़ाई करते थे ना इस बार वहां से लगभग 33 ASO का सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये बिहार सेक्रेटरियट में। देखिए हमको भी कभी नहीं लगता था कि हम भी ऑफिसर बन पाएंगे, देखिए प्रॉपर हम पढ़ाई किए सब दिन पटना में रहे लेकिन दिल से ऐसा नहीं लगता था कि हम ऑफिसर बन पाएंगे क्योंकि जब हम तैयारी का दौर शुरू किए थे तो ग्रुप डी में थे, मतलब फर्स्ट टाइम ग्रुप डी हुआ, फिर जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ेगी ना तब अपने आप उस कदम को पा लीजिएगा, तो आप भी अगर कीजिएगा इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया जीके जीएस की बुक। अब आते हैं प्रिपरेशन का, तो हम बताए दिए कि 45 दिन के पहले तक आप ये सब पढ़िएगा ये मोटी मोटी बुक। अब जब 45 दिन बचा है एग्जाम के लिए तब आप सिर्फ लुसेंट फॉलो कीजिएगा, ये रामबाण है इसको नहीं भूलना है, लुसेंट फॉलो कीजिएगा। लुसेंट का भी जैसे आप 8 या 24 88 पेज सब बुक से पढ़ रहे हैं तो 24 बुक पढ़ने का आपको आदत हो चुकी है तो आप 6 से 7 घंटा लुसेंट बुक पढ़िएगा, और ये 45 दिनों में मेरा उम्मीद है कि आप लुसेंट को दो बार खत्म कर दीजिएगा लुसेंट को पक्का। ये हो गई अब ये जीएस का सिलेबस पूरा हो गया, और अब बात करते हैं मैथ के बारे में। तो मैथ के बारे में मेरा हम तो है कि आर एस अग्रवाल का जो थर्ड राइटर का बुक आता ना, 3 राइटर या 2 राइटर कुछ भी उसको प्रॉपर बनाइए, एक एक क्वेश्चन बनाइए, जब पहली बार बनाते हैं ना तो बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ दीजिए, जो हल्का भारी लगा उस पर पेंसिल से एक टिक कीजिए, जो ज्यादा भारी है उसको डबल टिक कीजिए, इसी तरह पूरा बुक बनाइए, इसको भी दिन में 2 घंटा बनाइए जरूर। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ये नहीं कह सकते कि हम 14 घंटा नहीं पढ़ सकते 12 घंटा नहीं पढ़ सकते, देखिए 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया मैथ के लिए यही करना पड़ेगा आपको, और साइंस के बारे में रीजनिंग के बारे में भी आर एस अग्रवाल का बुक आता है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए अब है कि अब क्या मतलब ये सब तो पढ़ रहे हैं, अब तैयारी में गति कैसे आएगा, गति आने के लिए क्या करना, आपको शुरू से ही मॉक टेस्ट लगाना होगा। मॉक टेस्ट मतलब आपको जो टेस्ट आते हैं ना बहुत सारे टीचर लोग अपना निकालते हैं ना, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म की बात कर ले, ज्ञान बिंदु की बात कर ले, अरिहंत की बात कर ले, ये यूनिक की बात कर ले, स्पार्क की बात कर ले, जिस टाइम जो एग्जाम रहे ना उस टाइम वो बनाइए, मतलब अगर आप यूनिक की बात कर ले तो यूनिक का मतलब जो सेट आया जैसे अभी बिहार एसएससी का बात कर ले या सचिवालय की बात कर ले या एसआई की बात कर ले तो उसको लेके बनाइए, मतलब पर एक टेस्ट जरूर बनाइए अगर हो सके, अगर अकेले अकेले देखिए जीएस है ना और ये लंबा सिलेबस है ना बोर हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए 5-6 लड़का मिलके तब सेट बनाइए, और नहीं तो आप अकेले ही बना सकते हैं, लेकिन देखिए तरह ये तैयारी का एक है कि मंत्र है कि आप ग्रुप में पढ़िएगा ना तो आप जल्दी सक्सेस कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप मतलब आप भटकिएगा नहीं पढ़ाई से। तो ये हो गया, किसी और दिन हम बात करेंगे किसी और वीडियो में कि ग्रुप स्टडी कैसे करें क्या करें क्या ना करें। और अब देखिए मैथ भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई, ये जीके भी हो गई, अब देखिए जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं ना तो ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा करेगा आपके लिए, मतलब नौकरी पाने का चांस बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसी पे हम और क्या बात करें, जैसे बुक लिस्ट हो गई, अब ये भी हो गया, इतना ही कीजिए ना आपके लिए सफिशियंट है ये सब बुक, आप वन डे एग्जाम कोई सा भी क्लियर कर सकते हैं। इंग्लिश अगर छोड़ दिया जाए, एसएससी के किसी और दिन बात कर लेंगे,
सिर्फ ये जीके रिलेटेड बुक जो जीके रिलेटेड एग्जाम रहता है ना, ये आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ। आप इसी तरह अगर आप लोग को भी कोई डाउट हो पाए से रिलेटेड तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा ना, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए, धन्यवाद।